भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी ने कश्मीर से धारा 370 हटाने और पाबंदियों को लागू करने के 60 दिन पूरे होने पर गुरुवार को उत्तर प्रदेश समेत देश भर में कश्मीर एकजुटता दिवस मनाया। इस मौके पर राजधानी के परिवर्तन चौक पर माले कार्यकर्ताओं ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर मानव श्रृंखला बनाई और कश्मीर में जारी दमन का विरोध किया। वहीं प्रदेश में अनियंत्रित जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन और मार्च निकाल कर एकजुटता दिवस मनाया गया। इसका आह्वान पार्टी की केंद्रीय समिति की हाल में राजस्थान के झुंझुनू में हुई बैठक से किया गया था। देशव्यापी कश्मीर एकजुटता दिवस मनाने के माध्यम से पार्टी ने मांग की है कि कश्मीर में सामान्य हालत बहाल किए जाए, हिरासत में लेना और यातना देना बंद किया जाए, गिरफ्तार हजारों बच्चों समेत सभी राजनेताओं को रिहा किया जाए, मोबाइल इंटरनेट व सभी संचार सेवाएं बहाल की जाए, कश्मीरी जनता के लोकतांत्रिक अधिकार बहाल हो और केंद्र सरकार व भाजपा नेता कश्मीर के असल हालात पर झूठ बोलना बंद करें। इन मांगों के साथ राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारियों के माध्यम से पार्टी की जिला इकाइयों द्वारा भेजे गए। परिवर्तन चौक पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने मौन रखकर मोदी सरकार की कश्मीर नीति का विरोध किया। उन्होंने नारे लिखी तख्तियां हाथों में उठा रखी थी। ऐसी ही एक तख्ती पर लिखा था, बंदी कश्मीर को रिहा करो। लखनऊ के अलावा इलाहाबाद, वाराणसी, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, चंदौली, जालौन, मथुरा समेत प्रदेश के अन्य जिलों में भी कार्यक्रम हुए। लखनऊ उत्तर प्रदेश से टाइम्स 80 न्यूज के लिए कलीम इकबाल की रिपोर्ट।